हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मीठे आम के अचार की रेसिपी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। आप इसे महीनों भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर कढ़ाई गरम हो चुका है, रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ और तेल गरम हो जाने के बाद यहाँ पंचफूरन छोटी कटोरी में डाल देती हूँ। गैस को लो करेंगे हम, अभी थोड़ा सा चला लेते हैं और अभी कटे हुए आम को डाल देती हूँ। मैंने छिलका उतार लिया था और इसे काट लिया है, देखिए, और इसके जो गुठली को मैंने नहीं काटा हुआ है, इसे चला लेते हैं और कुछ समय के लिए ढक लेते हैं। इसे बीच बीच में हम कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये पक चुका है, देखिए, और अभी हम थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, 2 कटोरी जितना पानी डालकर हम। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, धनिया और मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हमें इसे फुल आंच में 10-15 मिनट हम इसे पकाएंगे। ढक लेती हूँ। ये आम बहुत ही टेस्टी बनता है, अगर आपने नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइए आप इसे, रोटी राइस के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो 10-15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा ये पक चुका है, तो अभी हम यहाँ पर जो गुड़ है वो इसे डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारे गुड़ को मैंने डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम अभी ढक देते हैं कुछ समय के लिए, गुड़ गल जाएगा। तो ये ढक लेती हूँ, कम से कम 5-10 मिनट के लिए और हमें इसे पकाना है। तो देखिए 10 मिनट के बाद गुड़ अच्छी तरह से गल चुका है, तो अभी हमें जितना हम इसे थिक रखेंगे उतना ही हमारा जो अचार का अचार बन अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक हो चुका है। तो अभी हम इसे चला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए, मुझे और थोड़ा सा इसे थिक करना है। देखा आप लोगों ने कितना जल्दी ही ये मीठे आम का रेसिपी बन गया है अचार का। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए और आपको मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय एवरीवन।